आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट जुड़े हैं अब केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केड़िया से बात करते हैं उनसे जानते हैं कि इस समय कहाँ पर उनको तेज़ी नजर आ रही है सुशील गुड मॉर्निंग पहले इंडेक्स पर बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लग रहा है ऑल टाइम हाई विद इन नेक्स्ट वन मंथ हाँ जी एक महीना तो बहुत है अगर होना है तो उसके पहले ही हो जाएगा तो पा, पा, क्या करना है ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या लेवल्स पर बाय करें देखिए इंडेक्स की ट्रेडिंग जो है वो एक खेल है पैसा लास्ट छह महीने से स्टॉक्स में ही ज्यादा बनता है हर इंडेक्स के झटके में तो लास्ट दो दिन में अगर इंडेक्स ने रिवर्सल दे दिया अगर स्क्रीन पे पीसीआर सी चार्ट निफ्टी की दिखा पा रहे हैं दो दिन में इसने रिवर्सल दे दिया और अब अगर ये ओवरबॉट है इंट्राडे में तो कुल बैक्स पे ले सकते हो अगर यहीं चढ़ के भी लोगे तो आपको स्टॉप लॉस तो बाईस तीन से ऊपर का स्टॉप लॉस तो जरा Uh, सख्त हो जाएगा तो बाईस दो सौ की मंदी नहीं है और तेईस दो सौ हो जानी चाहिए निफ्टी ऐसा रुख लगता है चार्ट बाईस दो की मंदी नहीं है तेईस दो हो जाना चाहिए चार्ट पर तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया तो क्या चलेगा यहाँ से आ, सुशील क्या आ, क्या ले यहाँ पर आईटी लीड करेगा बैंक्स लीड करेगा रिलायंस लीड करेगा यही तीन मेन पॉकेट्स हैं तो देखिए चलेगा तो सब कुछ हुँ. और आपका मेरा काम ये कि हम ये खोजें वीक टू वीक की दौड़ेगा क्या चलेगा तो सब कुछ जब हजार पॉइंट की निफ्टी में तेजी होनी है दो ही दिन में छह सौ पॉइंट बढ़ गया और यहाँ से लगता है हजार नौ सौ पॉइंट और बढ़ जाएगा तो व्यापार तो अभी लेके ही करने में जीत है शॉर्ट सेलिंग तो सिर्फ अहंकार की तुष्टि होगी तो ज्यादा चलने में मुझे जो लगते हैं अलग अलग अवधि के लिए अः एक अभी जय कुमार जी मेरे जीवन में पहले बॉस थे तुम रहा था मैं बड़े ध्यान से उनको आइडिया सेल्यूलर की चार्ट में आपको दिखाऊँ तो कल आपकी इंस्टाग्राम पे मैंने वो रील देखी बीस हजार के एफ में एक लाख करोड़ की बीस हजार करोड़ के एफ में एक लाख करोड़ की बिड्स आ गई और जिस कंपनी का भविष्य कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न इस पर लगे हुए हैं तो चार्ट पे भी देखिए ये जो एंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया अगला पड़ाव सवा चौदह और उसको क्रॉस करे तो अट्ठारह मुझे लगता है कि सट्टा न करके इसको जो डिलीवरी उठाए इक्कीस बाईस रुपए का भाव एक वोडाफोन आइडिया में मिलना हो तो बड़ी बात नहीं है। अभी एक का भाव है आप एक लाख सत्ताईस हजार तक की बर्दाश्त रखो डिलीवरी उठाओ तो पहला पड़ाव एक लाख पचहत्तर हजार और अगला पड़ाव दो लाख अब ये रातों रात तो नहीं होंगे तीन चार पांच महीने की बात है तो भी अगर एक लार्ज कैप स्टॉक पचास परसेंट बढ़ सकता है तो बाईस हजार से तेईस हजार की निफ्टी के खेल के बीच में बहुत बड़ी बड़ी कमाइयों के अवसर छूट जाते हैं नवीन फ्लोराइन पर हमारी पहले भी बात हुई थी इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना दिया है और आज ये और भी बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है तो अगला पड़ाव पैंतीस सौ शनै शनय चार हजार बयालीस सौ तक चला जाए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा पी आर पे हमारी कई बार बात हो चुकी है पी वी आर ने भी वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दे दिया देखिए इस लाल लकीर के ऊपर अब ये 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 डावाडोल हो रहा है इस लाल लकीर पे कोई भी ये लिफ्ट ऑफ करे तो अगला पड़ाव साढ़े सोलह सौ इवेंचुअली बाईस सौ की चाल लगती है और मुझे एच पी सी एल बी पी सी एल आई ओ सी में बहुत खतरनाक तेजी लगती है ये वॉलेटाइल ज्यादा रहेंगे ऑफकोर्स और अगर ईरान अगर अब वॉर में झोंक दिया जाएगा तो अच्छी बात है ईरान को और ज्यादा तेल बेचना पड़ेगा जितना खर्चा बढ़ाएगा उसको उतना तेल बेचना पड़ेगा और अगर रशिया की तरह आप ईरान के भी तेल को इलेजिटिमाइज कर दोगे तो अभी तो भारत का ऐसा दौर चल रहा है कि भारत जिस चीज में हाथ डाल देगा तो ईरान का भी इलेजिटिमेट तेल लेजिटिमेट हो जाएगा तो तेल की शॉर्टेज मचेगी तो हमारे लिए नहीं मचेगी यही अनुमान है क्योंकि दुनिया में आज की तारीख में पाकिस्तान को छोड़ के सारे दोस्त सारे देश हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान और चीन को छोड़ के तो ये एक अद्भुत समय में हम जी रहे हैं तो तेल में ऐसे भी तेजी का रुख पकड़ नहीं पाया तेल इस वॉर के बावजूद अगर तेल ऊपर के भाव नहीं पकड़ पाया और एक रिवर्सल बन चुका है सारे कमोडिटीज में तो गोल्ड सिल्वर जहां मुझे लगते हैं कि पाताल लोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं मेरे शब्द है पाताल लोक की तरफ गिरते ही जाएंगे और क्रूड भी मुझे लगता है यहां से पच्चीस परसेंट गिर जाए अगर तीन छह महीने में तो वॉलिटिलिटी को संभालना पड़ेगा और ट्रीडिंग करने के लिए एचपीसीएल बीपीसीएल आईओ में जबरदस्त पैसा बनेगा और आपका जो सवाल बैंकों में इस वक्त कठिनाई ये है कौन से बैंकों ले तो छोटे वाले बैंक 25-25 परसेंट -25 बढ़ जाएंगे चाहे वो आई फर्स्ट बैंक है या यूको बैंक है और बड़े वाले बैंक 10-12 बढ़ जाएंगे तो बैंक में चारों तरफ तेजी ओके okay. फार्मा में आपका व्यू क्या है फार्मा में बहुत सारे स्टॉक्स में हमने अच्छा मूव देखा शुरुआत करते हैं यहाँ पे बायोकॉन से अबाउट इंडिया क्या अप्रोच रहेगी आपके इन स्टॉक्स पर देखिए बायोकॉन डिलीवरी लेके जो बैठेगा तो आराम से सात तक पड़ा रह पाएगा और बेच लेगा जिसको ट्रेडिंग करनी है अगला पड़ाव है कि बायोकॉन में जहाँ दो का ब्रेकआउट आए एक बार ये 330 तक उछलेगा घूम फिर के इसके पॉलिटिलिटीज के साथ आ, हमें लगता है अगले तीन चार महीने में 400 तक की भी चाल है और डिलीवरी लेके कोई शांति से बैठा रहे साल भर का रुख ले मुझे लगता है 700 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एल अबॉट इन दोनों में खरीदारी करने के स्तर आने लग गए हैं और एक एक स्टॉक जो फ्यूचर्स में नहीं है तो लगता है साढ़े उन्नीस सौ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज फार्मा में भी है और अक्रॉस द बोर्ड कोई पूरा फार्मा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं बहुत बड़ा हुआ है पूरा सेक्टर तो जिन जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा पुल बैक आके एक प्रॉपर बाई सेटअप बन गया हम अभी उन्हीं पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे ओके okay, अच्छा सुश्री एक और स्पेस बैंक जिस पे चर्चा नहीं हुई और बैंकों के बिना कोई भी चर्चा अधूरी होती है पिछले दो दिन से पीएसयू बैंकों में बड़ा अच्छा मूव नज़र आ रहा है एसबीआई बी कैनरा बैंक पीएनबी और मतलब जो में नहीं भी हैं कैश के स्टॉक्स भी आपका पीएसयू बैंकों पर इस वक्त व्यू और अच्छा चेज करने लायक कौन सा बैंकिंग स्टॉक लग रहा है आपको इस वक्त चीज तो इनकी लास्ट दो साल में सब पांच पांच छह छह गुना हो चुके हैं स्टॉक्स तो अब इस जोन से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो एक अगला उछाल पच्चीस परसेंट का यूको बैंक में या आपके सारे ही छोटे वाले जो आ, पी एस यू बैंक है चाहे पी एन बी है कैन बैंक है आ, ये सारे के सारे बीस बाईस परसेंट बढ़ जाए और आ, एस बी आई वैसे क्लासीफाइड है पीएस यू बैंक में पर इस बैंक का बर्ताव और इसके स्टॉक का भी बर्ताव दोनों ही बिल्कुल प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसा है तो दस एक परसेंट सारे लार्ज बैंक जो हैं जो बैंक निफ्टी का हिस्सा है दस एक परसेंट वो बढ़ जाए और बंधन बैंक जिसकी चाल हमेशा ही विचित्र रहती है बिल्कुल अलग ही दुनिया में अपना चलता है तो देखिए अगर इसकी चार्ट दिखा पा रहा है तो हो सकता है कि बंधन बैंक एक डार्क हॉर्स निकला है यहां से और इसमें दो तक की चाल अब शुरू हो गई हो तो मैंने जैसा कहा कुछ मिनट पहले बैंकों में विडम्बना ये है

वो है एम आर एफ जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ पुश मिल सकता है निफ्टी के साथ साथ पांच दस परसेंट का पर कोई यहां से लेके बड़ा पाए हमारे संवर्धन सूबी में अच्छी अच्छी खबरें आ गई नब्बे वार्ड में खबर खराब से खराब थी वहां बाई सिग्नल था अब यहाँ पे सेल सिग्नल है तो हमारी तो गुलामी लिखी गई चार्ट से हम उसी की सेवा करेंगे हमें अब ऑटो एक्सलरीज में कुछ नहीं लेना है सारा ध्यान केंद्रित है सिर्फ एम पर

नीचे जाए बिना गोल्ड एक आखिरी नया हाई बनाए पर सिल्वर में तो जो होना था हो लिया और uh, हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करेंगे अनुज हम भी बिल्कुल हो सकते हैं और होंगे तो स्टॉप लॉस लेंगे जब तक ये जो रिसेंट हाई बना है ये क्रॉस नहीं हो मुझे लगता है कि सिल्वर लेके बैठने वाले के आज के पैसे भी नहीं आज का पैसा लग जाएगा चार साल में और सिल्वर का भाव अगर यहां से आधा हो जाएगा तो सिल्वर गोल्ड बेच बाच के सारा पैसा शेयर बाजार में लगाना चाहिए